मैं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं 7 डेज गाइड। फ्रेंड्स, आप किसी भी स्टेट में फंसे हैं और दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं, या फिर आपको वहां पे घर है, या फिर जाके फिर लौटना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ई पास बनवा सकते हैं ताकि आप बिना किसी प्रतिबंध के जा सके। सबसे पहले एक वेबसाइट है, उस पर जाना पड़ेगा आपको, जो कि ये है myGOV.in/COVID-19/। इस पे जाने के बाद आपको पूरी स्टेट वाइज आपको एक बार मिल जाएगी, जहां से आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऑनलाइन भर सकते हैं। ये देखिए, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, लगभग सारे स्टेट का ही यहाँ पे URL दिया गया है। इसमें से कुछ URL काम नहीं करता, जिसके लिए मैं दूसरा URL दूंगा आपको। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप ऐसे ई पास बनवा पाएंगे और किसी भी स्टेट में जा पाएंगे और वहां से लौट भी पाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे असम पे। असम पे क्लिक करने के बाद हमारे पास दूसरी एक पेज खुल जाएगी, जो ये फॉर्म आएगा। इस फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको नाम डालना पड़ेगा, एप्लीकेंट नेम, अपना नाम डाल दीजिए, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिए, यहाँ ईमेल एड्रेस डाल दीजिए, हालांकि कंपल्सरी नहीं है, नहीं डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। डेट ऑफ बर्थ क्या आपने डाल दीजिए, एप्लीकेंट टाइप क्या है, गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे डाल दीजिए। उसके नीचे आने के बाद यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है, यहाँ पे अपना गली नंबर डालिए, विलेज डालिए, कौन से गाँव में रहते हैं, पुलिस स्टेशन डालिए अपना, यहाँ पे वार्ड नंबर, डिस्ट्रिक्ट, पोस्ट ऑफिस डाल दीजिए, यहाँ पे ब्लॉक डाल दीजिए। उसके नीचे यहाँ पे व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा, कोई गाड़ी है तो आप डाल दीजिए। यहाँ पे गाड़ी का टाइप क्या है, टू व्हीलर, फोर व्हीलर क्या है, पिकअप है या फिर क्या है, वो डाल दीजिए। जर्नी टाइप डाल दीजिए, वन वे जाना चाहते हैं फिर राउंड ट्रिप उधर से आना भी चाहते हैं, वो भी डाल दीजिए। नंबर ऑफ पर्सन ट्रेवलिंग, आपके साथ कितने पर्सन ट्रेवल करने वाले हैं, वो भी डालना पड़ेगा आपको। अगला है पास फॉर्म डेट, पास टू डेट, कब से कब तक आपको पास चाहिए, कब से कब तक आपका पास इशू होना पड़ेगा, कब से करवाना चाहते हैं, तो वो डालना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे पर्पज ऑफ ट्रेवल क्या है, वो डालना पड़ेगा, आपका क्या पर्पज है ट्रेवल करने का। यहाँ पे ट्रेवल कैटेगरी डालना पड़ेगा, डाल दीजिए इसको। सोर्स डिटेल्स, रूट क्या है आपका, वो डाल दीजिए। यहाँ पे डेस्टिनेशन रूट, आप जहाँ जाना चाहते हैं उसका रूट क्या है, वो डाल दीजिए। रिमार्क कोई है तो डाल दीजिए। और यहाँ पे मेंशन को पैसेंजर नेम, अगर कोई दूसरा पैसेंजर है तो उसका भी नाम डालना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, ये अप्लाई टू ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर पास अप्लाई करना चाहते हैं या फिर SDO के पास अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें किसी भी एक को चुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डिक्लेरेशन है, आई एग्री पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे एक कैप्चा है नीचे, इस कैप्चे को इस वाले डब्बे में डाल देना है और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको एक फॉर्म खुलेगा, जहाँ पे पूरी डिटेल होगी, जो अभी आपने फिल किया है उस सबको देख लीजिए, कोई गलत है तो फिर से आप उसको एडिट कर सकते हैं, वरना फिर से दोबारा सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। वहां से आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने पड़ेंगे उसको कर दीजिए, या तो फोटो होगा या फिर आधार कार्ड होगा, उसको अपलोड करने के बाद आप उसको सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आपका ई पास बन जाएगा। ई पास बनने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे या फिर ईमेल आईडी पे एक मैसेज आएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको एक रेफरेंस नंबर दी जाएगी जहां से आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। अगला है दोस्तों बिहार। ये देखिए बिहार, बिहार की वेबसाइट ही खुल नहीं रही। ये देखिए यहाँ पे खुल तो रही है, लेकिन बिहार राज्य में फंसे हुए लौटने के इच्छुक अन्य राज्यों के लोगों के पंजीकरण हेतु लिंक ये किसी तकनीकी कारण से अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है। चलिए इसको हम कट कर देते हैं। एक बिहार की एक वेबसाइट है, ये देखिए serviceonline.bihar.gov.in/login.do, ये #, ये इस पे आप जाएंगे इस वेबसाइट पे, तो आपको ऐसा कुछ पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है COVID-19 आपदा के लिए ई पास का निर्गमन। इस पे आपको क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुलेगी। फॉर्म में आपको अपना नाम डालना पड़ेगा, यहाँ पे पिता का नाम डाल दीजिए, यहाँ पे एज क्या है वो डाल दीजिए, लिंक डाल दीजिए, यहाँ पे पुरुष है, स्त्री है, फिर क्या है, यहाँ मोबाइल नंबर डालिए, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिए, पहचान पत्र आप कुछ भी डाल सकते हैं, आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड या फिर लाइसेंस वगैरह, पासपोर्ट, वहां पे उसका नंबर डालना पड़ेगा। आप जो भी अगर आधार कार्ड डाल रहे हैं तो यहाँ पे आप अपना नंबर डाल दीजिए। ये देखिए यात्रा ई पास कब से कब तक चाहिए, तो यहाँ पे डाल दीजिए। वाहन का प्रकार क्या है, दो पहिया, तीन पहिया, चार पहिया, जो भी है डाल दीजिए। वाहन निबंध संख्या, उसमें उसका नंबर क्या है वो डालना पड़ेगा। यात्रियों की संख्या, ड्राइवर सहित कितने यात्री आप ट्रेवल करना चाहते हैं वो यहाँ पे डाल दीजिए। संचालन का प्रकार क्या है, जिले के भीतर ही आना जाना चाहते हैं या फिर जिले से बाहर या फिर राज्य से बाहर जाना चाहते हैं, वो डाल दीजिए यहाँ पे। यात्रा का प्रयोजन क्या है वो डालना पड़ेगा। यात्रा का प्रकार क्या है वो डालना पड़ेगा। जब यहाँ पे आप प्रयोजन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे प्रयोजन का प्रकार भी आ जाएगा। उसके बाद प्रयोजन का कारण क्या है वो डाल दीजिए। ये सब कुछ फिल करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे ये देखिए आवेदक का फोटो, आप अपने 20 KB से 350 KB तक के JPG, JPEG और PNG फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जिला क्या है आपका, अनुमंडल क्या है, वो भी डाल दीजिए। नीचे करने वाले कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे, घोषणा क्या, घर या परिवार के किसी सदस्य ने फरवरी या मार्च में विदेश की यात्रा की थी, ये हाँ ना में जो भी है आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। उसके नीचे आने के बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे और
और यहाँ पे कैप्चा डाल के सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद सबका लगभग प्रोसेस सेम ही है, चाहे आप किसी भी स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं, सबका लगभग प्रोसेस सेम है। इसको क्लिक करने के बाद सबमिट पे, तो आपको एक दूसरी फॉर्म खुलेगी जहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं, अगर गलत हो तो एडिट कर सकते हैं, वरना फिर से सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों पूरा तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये देख लीजिए यहाँ पे एक है, और यहाँ पे पंजाब, जैसे पंजाब पे हम क्लिक कर देते हैं, पूरा बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ये देखिए फ्रॉम पंजाब, पंजाब से आप जाना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे, बैक टू पंजाब, पंजाब आना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे। चलिए हम इस पे क्लिक कर देते हैं, एक फॉर्म खुलेगा यहाँ पे। ये देखिए पहले टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेंगे यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करके, इस पे क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ पे यस कर देते हैं। यस करने के बाद एक दूसरा फॉर्म खुलेगा जहाँ पे उसको फिल करना पड़ेगा। ये देखिए रजिस्ट्रेशन बाई सेल्फ, तो यहाँ पे सेल्फ डाल दीजिए। कैटेगरी ऑफ ट्रेवल, यहाँ पे स्टूडेंट है, टूरिस्ट है, जो भी है आप डाल दीजिए, अपना नाम डाल दीजिए, यहाँ पे एज डालिए, जेंडर डालिए, यहाँ पे एरिया कोड तो है ही, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिए, इसका फादर नेम डालना है, यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन, यहाँ पे चलिए कोई है तो डाल दीजिए, ये आउटसाइड इंडिया, यहाँ पे चलिए इंडिया यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्टेट क्या है, स्टेट सेलेक्ट करिएगा आप, सिटी क्या है, सिटी सेलेक्ट करेंगे। सब कुछ फिल करने के बाद यहाँ पे देखिए वांट गवर्नमेंट सपोर्ट इन ट्रांसपोर्टेशन, अगर आपके पास अपना व्हीकल है, अपना गाड़ी है, तो यहाँ पे नो कर दीजिए, और अपना गाड़ी नहीं है तो यहाँ पे यस करेंगे, ताकि आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करे आने जाने में। राइट, नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए लोकेशन ऑफ पंजाब टू बी ट्रेवल बैक, आप पंजाब में अगर आप आना चाहते हैं तो उसका लोकेशन क्या है, आप पंजाब में कहाँ पे आना चाहते हैं उसका यहाँ पे डिटेल डालेंगे, ब्लॉक डालेंगे, वार्ड नंबर डालेंगे, यहाँ पे सिटी डाल देंगे, जो भी आपका सिटी है, सॉरी जो सिटी आप पंजाब में आना चाहते हैं, जिस सिटी में, वो सिटी डालेंगे, विलेज आना चाहते हैं कहाँ पे पंजाब में आना चाहते हैं विलेज डाल देंगे, पूरी एड्रेस डालेंगे, और नियरेस्ट एयरपोर्ट इन पंजाब, आप जहाँ पे आना चाहते हैं उसके नियर में कौन सा एयरपोर्ट है पंजाब में वो डाल देंगे। यहाँ पे कॉन्टेक्ट पर्सन, आप किसके यहाँ पे आना चाहते हैं उसका नाम डालेंगे, उसका फोन नंबर डालेंगे, यहाँ पे दोनों पे क्लिक करके नीचे आएंगे, कैप्चा डालेंगे, कैप्चा पे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद सबका सेम प्रोसेस है जैसा कि मैंने बताया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे स्टेट हैं जो कुछ लिमिटेड पर्सन को ही कर्फ्यू पास बना रहे हैं, जैसे डॉक्टर या फिर जो इसेंशियल सर्विस से जुड़े हैं, वो गवर्नमेंट सर्विस से जुड़े हैं, उनके लिए ही सिर्फ पास बनाई जा रही है। जैसे यहाँ पे अब दिल्ली में आ जाते हैं, दिल्ली पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये व्हाट डू यू नीड हेल्प विथ, चलिए यहाँ पे ई पास फॉर ट्रेवल ड्यूरिंग कर्फ्यू पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ये देखिए लिखा है कि ई पास इज बीइंग इशूड फ्रॉम दोज हु आर एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग इसेंशियल सर्विस लाइक मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड शॉप्स, बट डू नॉट हैव अ गवर्नमेंट और प्राइवेट आईडी। ऐसे लोगों के लिए यहाँ पे ई पास को जारी किया जाएगा। ये सब फॉर्म फिल करने के बाद यहाँ पे आईडी प्रूफ फिल करना पड़ेगा, यहाँ पे विजिटिंग कार्ड, शॉप, बिजनेस लाइसेंस, जो भी है आपका यहाँ पे फिल कर देंगे यहाँ पे, और ये इस पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर देंगे, बाकी सबका प्रोसेस वही है। तो कहने का मतलब है कि कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जो सिर्फ कुछ लिमिटेड पर्सन को ही कर्फ्यू पास बना रहे हैं, मतलब आम आदमी को कर्फ्यू पास नहीं बना रहे, लेकिन बहुत सारे स्टेट हैं जो आम आदमी को भी कर्फ्यू पास बना के अपने घर तक पहुंचने के में मदद कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर करेगा दोस्तों के बीच, ताकि वो भी कहीं फंसे हो तो आ जा सके। ऐसे और वीडियोज के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।